नमस्कार, न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जूली रानी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के वास्ता कोला मांस रेस्क्यू ग्राउंड में नीरज जी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीरज जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर सदा सुमन व्यक्त किए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने भी नम आंखों से स्वर्गीय नीरज जी को याद किए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना किए। मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। श्री सिंह ने बताया कि नीरज जी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हमें खलती है, वो प्रेरणा स्वरूप मार्गदर्शन करते आए हैं, इस बात का भी हम सबको कमी होती है। मंच के संचालन कर्ता रामकृष्ण पाठक ने भी स्वर्गीय नीरज सिंह को याद किए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। धनबाद के वाघमारा से आए पूर्व मंत्री जलेश्वर माथो ने भी नीरज सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किए और नीरज सिंह की आत्मा की शांति की प्रार्थना किए। आइए आपको भी सुनाते हैं। उसको मना रहे हैं नीरज सिंह की अनुपस्थिति हम मजदूरों को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि नीरज सिंह जब आए थे तब आउटसोर्सिंग के वो रुक गया था और हाई पावर कमेटी का वेतन दिलवाया था। एक नए आशा की किरण जगी थी और नीरज सिंह के जाने के बाद फिर से वही इसी के कारण उपस्थिति बहुत खलती है और हम निरंतर में ये आशा करते हैं जो अन्याय, जो घोर अन्याय, जो कुकृत्य नीरज सिंह की हत्या का कलंक किया है उसको न्यायालय से कम न्याय मिला। नीरज सिंह का शहादत दिवस है और वो लड़का हमको बहुत मानता था और सचमुच में व्यवहार कुशल था वो, और ठीक उसी तरह की उसकी पत्नी भी, आजकल नाम नहीं रहे लेकिन उसकी पत्नी भी व्यवहार कुशल लड़की है। और हम ये कह सकते हैं कि जो श्रीमेंसन परिवार में अगर कोई सबसे व्यवहार कुशल व्यक्ति नीरज सिंह। एक वाकया है कि एक घटना हुआ था बड़ाकर के पास में, मनान मल्लिक साहब भी गए थे, हम भी गए थे, लाल साहब भी थे और संयोग से नीरज सिंह भी गए थे। उस समय मैं जेडीयू का स्टेट प्रेसिडेंट था, उसका व्यवहार देखा था और बातचीत न जिसे करने का अवसर उसी समय मिला था हमको। एक आकर्षण के केंद्र में रहा हमेशा कहा करते थे जो मेरे पास